हेलो एवरीवन, कुकिंग विद निवेदिनी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ एक मशरूम मसाला फ्राई सब्जी शेयर करने वाली हूँ। जो नॉर्मल मशरूम मसाला सब्जी हम घर पर बनाते हैं, ये जो रेसिपी है ये थोड़ा सा हटकर है। तो इस रेसिपी में क्या इस तरह का डिफरेंट है, इसको जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक देकर जरूर जाइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे दिया गया रेड कलर सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में एक बेल आएगा उसको भी क्लिक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का रेसिपी। गैस पर कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गया है, उसमें लिया है 1/4 कप कोकोनट। कोकोनट को हम 5 मिनट लो फ्लेम पर थोड़ा सा भून लेंगे। यहाँ पर मैंने फ्रेश कोकोनट यूज किया है। अब उसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 4 सूखी मिर्च और 1 चम्मच सौंफ। इन सारे मसाले को लो फ्लेम पर 5 मिनट हम भून लेंगे। 5 मिनट मसाला भून चुका है, अब इसको ठंडा करके हम इसका एक पाउडर बना लेंगे। गैस पर अभी और एक कढ़ाई ले लिए हैं। अब उसमें लेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। ऑयल में डालेंगे 10 से 15 करी का पत्ता, 4 से 5 हरी मिर्च। मिर्च को मैंने ऊपर से थोड़ा सा कट लगा दिया है। अब उसमें ऐड करेंगे 1 कप कटा हुआ प्याज, या तो 2 बड़े साइज का कटा हुआ प्याज आप ले सकते हैं। प्याज को हल्का सा भून लेंगे। उसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको हम 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर भून लेंगे। अब उसमें ऐड करेंगे 1/2 कप बारीक कटा हुआ टमाटो, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और जो मसाला का पाउडर हमने बनाकर रखा था उस मसाला से हम ले लेंगे 2 बड़े चम्मच। अब यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मशरूम को खूब अच्छे से साफ करके धो के उसका कट कर लिया है। अब हम इसको मसाले में डाल देंगे और उसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा नमक, और इसको खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले में मशरूम जब खूब अच्छे से मिक्स हो जाए, अब हम उसमें ऐड करेंगे 1/2 कप पानी। पानी को मशरूम में डाल के इसको भी खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम लो रहेगा। अब हम उसको ढककर लो फ्लेम पर 5 से 10 मिनट पका लेंगे। अब 10 मिनट बाद हम मशरूम को चेक करेंगे। मशरूम हमारा बहुत ही अच्छे से पक चुका है। मशरूम पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब मशरूम से बहुत अच्छा खुशबू भी आने लगा है। अब हम इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। और आपको जिसके साथ भी खाना पसंद है, आप इसको गर्मा गर्म रोटी के साथ या तो राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। झटपट बनने वाला ये स्पाइसी मसाला मशरूम फ्राई बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसको एक बार अपनी किचन में जरूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक देके जरूर जाइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही बहुत सारे टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।